बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत नहायत दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। पाकिस्तान में इदारे पहली बार उन लोगों का एहतसाब करते दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ही अनटचेबल्स रहे हैं, और शायद यही वजह है कि रिएक्शन में उसके रद्देअमल के तौर पर हम देखते हैं कि वही लोग इंकलाब लाने की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जमहूरियत के लिए, आवाम के वोट के तकद्दस के लिए, और न जाने क्या क्या। यही वो लोग हैं जो शायद अगर माजी में देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब से बहुत सारे सवालात करने भी बनते हैं कि आखिर IGI की सरबराही किसने की थी माजी में, अपने ही पार्टी सदर जुनेजो के ख़िलाफ़ बगावत किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया था, और गवर्नर जलानी की दोस्ती में जनरल ज़ियाउल हक के जाली रेफरेंडम में बल्दियाती इदारों के लोगों को ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए मजबूर किसने किया। अगर माजी में आर्मी चीफ्स के हवाले से बात कर लें तो चाहे जनरल आसिफ नवाज़ हों, जनरल जहांगीर करामत हों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, सभी के साथ आपकी चपकलिश रही। यूसुफ़ रज़ा गिलानी के केस में कुछ और आपका मेयार था अदल का, इंसाफ का, लेकिन अपनी बारी वो चेंज होता दिखाई दे रहा है। मेमोगेट के हवाले से जो हुआ वो भी हमारे सामने ही है, लेकिन अब बहरहाल नवाज शरीफ साहब को यकीन है कि वो अदल भी बहाल करा देंगे, जमहूरियत भी इस मुल्क में मजबूत करा देंगे, और अवाम के वोट का तकद्दस भी उनको दिला देंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ इतना ही कि ना तुम बदले, ना दिल बदला, ना दिल की आरजू बदली, मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमा कर लूँ। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तज़ियाकार, दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब से। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अभी जो रिसेंट एक इवेंट हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, जो ख़ुद को अब बहुत जमहूरी जमात भी कहती है और कहती है कि हम जमहूरियत पे यकीन भी रखते हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि पार्टी सदारत के लिए नाहल हुए, वज़ीर आज़म की कुर्सी से नाहल हुए, लेकिन उन्हें ताहयात कायद ज़रूर उन्होंने मुंतखब करा दिया है। शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन गए हैं कायम मकाम और 45 दिन के बाद मुस्तकिल। नवाज़ शरीफ साहब के होते हुए आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कितने बाइख्तियार सदर हो सकते हैं पार्टी के? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने 2-3 बातें की हैं, उनकी मेरा ख्याल थोड़ी सी वजाहत हो जानी चाहिए। जमहूरी होने की ये बात करते हैं तो ये इनका DNA मुख्तलिफ है, ये हो नहीं सकता। और ये इनफैक्ट यहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरे आलम इस्लाम की ट्रेजडी है कि जिसके पास इख्तियार इख्तदार होता है वो जमहूरी रह नहीं सकता। इवन भुट्टो वॉज नॉट, वो फैशिस्ट था उसका भी रवैया। फिर ये आपने बात की ये बहाल करेंगे, वो बहाल करेंगे, खुद बहाल नहीं हो सकते, ही इज़ हिस्ट्री। फिर आपने एक इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इनकलाबी, और जी एक मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ नजरियाती, ये हैं पढ़ लोग, खुद को कहते हैं हम नजरियाती, ये नीम खानदा लोग हैं ये। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ, पिछले दिनों अयाज अमीर साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा है कि नीम खानदा लोग, ये नीम खानदान पढ़ है। इन नेमकों को, जाहिलों को ये नहीं पता कि नजरियाती होना, आइडियोलॉजी, ये लफ्ज जो है आइडियोलॉजिकल, और ये सारा आउटडेटेड है। किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मॉडर्न पढ़े लिखे से बात करें तो वो कहेगा ये कौन पागल उठ के आ गया है। नजरियाती होने की और नजरिया की, ये अब मजाक खेज लफ्ज़ हैं, इस टर्मिनोलॉजी के ज़माने गुजर चुके हैं। एक बात इंसान ने एक और बात भी समझ ली है कि इनकलाब जो है वो भी पुराने जालिमों को बेसिकली रिप्लेस करके नए जालिम लाने का नाम है। दुनिया का कोई इनकलाब, बड़े से बड़ा इनकलाब दुनिया का, अल्टीमेटली क्या हुआ कि जिन कुव्वतों के खिलाफ आया था उन्हीं से मिलती जुलती यजीदी और इबलीसी कुव्वतें जो हैं वो वापस आ गई। सो ये तो बैकग्राउंड का सही। अब जो आपका सवाल है बुनियादी कि क्या शहबाज शरीफ ये हिजाब, ये भरम जो है ना सादिया, ये कुछ अरसे चलेगा, अच्छा, वरना चलता नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लगाम अगर मेरे हाथ में है तो फिर वो मेरे
हाथ का इशारा समझेगा घोड़ा, और मैं उसको जैसे चाहूंगा मैं उसको वैसे ड्राइव करूंगा, स्टीयरिंग अगर मेरे पास है तो अल्टीमेटली ये शर्म, ये भर्म, ये हया जिसे कहते हैं ना रनिंग इन पूरी करनी, सही ठीक है एक जमाने में, अब तो खैर ऑटोमोबाइल बहुत आगे जा चुका है, एक जमाने के रनिंग इन पूरी है, तो या जैसे कह रहे हैं कि वो हनीमून का एक पीरियड होता है, एडजस्टमेंट का एक पीरियड होता है, एक चीज फेड आउट हो रही है, एक चीज फेड इन हो रही है, ठीक है, यू जस्ट ग्रेजुएट इन टू अ न्यू सिचुएशन। ठीक, तो अभी तक तो ये इनकी सानवी सी हैसियत थी शहबाज शरीफ की, तो अल्टीमेटली ये हो नहीं सकता क्योंकि ये गैर फितरी है, ये मैं कुछ कोई प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ, मतलब जैसे उनको बेशुमार लोग उनको करीब से जानते हैं, मैं तो दूर से भी नहीं जानता, इसी तरह ना मैं शहबाज शरीफ को थोड़ा मिजाज से वाकूँ, एक ज़माने में हमारा अच्छी गपशप थी, तो ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ना मैं आपको कोई कोई तज्जिया या एवेल्युएशन या असेसमेंट कतन नहीं, मैं आपको कानून कुदरत नेचर के जो बुनियादी असूलों में से एक असूल है, मैं सिर्फ उसकी तरफ आपको मुतवज्जो कर रहा हूं। तो ये शहबाज शरीफ के लिए ये जो पार्टी सदारत है एक एक बंद गली नहीं होगी, मरियम साहिबा के हवाले से भी अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब के बाद या उनसे ज्यादा शायद आजकल के हालात में वही पार्टी की करता धरता है जिनकी पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल ही बरक्स है, किसकी चलेगी यहाँ पे, होगा क्या ये जो चपकलिश की कोई रिफ्ट की सूरत इख्तियार करेगा शहबाज शरीफ साहब का नजरिया या मरियम बीबी की जो सोच है? नवाज शरीफ क्या नजरिया क्या उस बेचारे का होना, नजरिया को तो मैंने कहा देखो लफ्ज से ये मुद्दतें हुई बिल्कुल ठीक, कोई मावजे तुम चोन लाए वगैरह स्वीकारों वगैरह इस तरह की लीडरशिप दुनिया में नहीं है। अब दुनिया के हुक्मरान बेसिकली वो हैं जो अच्छे मैनेजर्स हैं, हुक्मरानी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से तब्दील हो चुका है, बिल्कुल ठीक, दुनिया कॉरपोरेट वर्ल्ड का रूप धारने के बाद इसके सरबराहों का रवैया, सोच, तरजीहात, मामलात, मामूलात सब तब्दील हो चुके हैं। सो अच्छा रूलर वो है जो एक अच्छा मैनेजर है, नाउ ऑल दिस इज मैनेजमेंट, नथिंग मोर देन दैट। एनीवे रह गई मरियम की, तो वो जो खातून है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और चीज़ है, ये एक किताब है, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, पॉलिटिकल माइंड, ठीक, तो ये कंटेम्प्रेरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तलखी है, बहुत ज़्यादा जहर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा ये लीडरशिप इन चीज़ों से बहुत बुलंदतर और मावरा। देखें अपने अपने पेशों की बात होती है, मैं आई कैन अफोर्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, अब एग्रेशन गुस्सा और ये वो एंगर और मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होना ये कई पेशों को सूट शायद कर जाता हो, या एटलीस्ट मतलब आई कैन गेट अवे विद इट, मेरा किसी को लेना देना नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता। एक बंदा जो मार्केटिंग मैं उसके उसका मिजाज अगर इस तरह का होगा जिसमें जा रही है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में इस तरह के मिजाज के साथ दूर तक जाना और देर तक कायम रहना, अगेन आई फाइंड इट इलॉजिकल, तो लेकिन जाहिर है मरियम के पास बहुत अतालीक होंगे, बाप का 35 साल का तजर्बा, लेकिन बेसिकली बाप का 35 साल का तजर्बा एक साल का तजर्बा है जो उसने 35 मरतबा रिपीट किया है, या तजर्बा शजर्बा हम जैसे मुल्कों में नहीं, लोगों के पास एक दो साल का ही होता है, देन दे कीप रिपीटिंग इट, तो उसमें आप दूसरी और बुनियादी बात ये है कि मरियम के बारे में कमेंट करते हुए उसको जेर बहस लाते हुए मेरा ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह है कि उसकी फेट का फैसला भी होने वाला है, अच्छा एक दफा तय हो जाए ना, ठीक बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपने जिस तरीके से जारहियत के हवाले से भी बात की है, फिर इनके जहनों में ये क्यों है कि शायद जारहाना पॉलिसी पर ही अमल पैरा हो के हम बड़े अच्छे तरीके से अपना जो बयानिया है अगेंस्ट आर्मी या अगेंस्ट जुडिशरी उसको हम सेल कर सकते हैं, उसको हम मार्केट कर सकते हैं?
وہ تو خیر میرے نزدیک تو وہ آلریڈی باؤنس بیک کر گیا ہے. اچھا. اور آئندہ مزید بری طرح کرے گا. یہ ان کا خیال ہے, اللہ ان کو مبارک کرے. اور دور کی بات نہیں ہے, بہت انقریب آپ دیکھو گے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بندے کا جب کوئی بہت قریبی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے, ویری ریسنٹلی آئی لاسٹ مائی مدر, تو یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے, یقین نہیں آتا. بندہ بعض اوقات آہٹ پہ سر اٹھاتا ہے کہ یار وہی تو نہیں. مطلب پھر آہستہ 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 یہ انسانی نفسیات ہیں. اچھا, یہ اقتدار پرست حوس اقتدار کا مرا ہوا ایک آدمی جو تیسری بار جس کا تکا ہی سمجھتا ہوں میں, یا اس کو ملک کی بدقسمتی کہہ لیں, میری بدقسمتی کہہ لیں چلیں, تو اس کو یقین آتے آتے آئے گا کہ اس کی کہانی ختم ہو چکی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ میاں صاحب کے اندر بھی آپ کو تبدیلیاں رونما ہوتی دکھائی دیں گی. اور ایک اور بات, بیانیہ ان کا سادیہ بہت بری طرح جہنم رسید ہو چکا ہے, بھاڑ میں جا چکا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھنا, جب ہم زندگی میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیو کے الٹیمیٹ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر آپ جم جاتے ہو تو وہاں جا کے وہ سائیکلنگ مانکلنگ یا جو کوئی بھی کرتا ہے جو جم میں جاتا ہے, وہ اٹ سیلف تو اس کا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. ٹارگیٹ تو ہوتا ہے اسٹیمنا بلڈ کرنا. بالکل, یو انڈرسٹینڈ. میں اگر کتاب پڑھ رہا ہوں, یہ میری اسٹڈی ہے, اگر میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں تو کتابیں پڑھنا اٹ سیلف تو مقصد نہیں ہے. مقصد ہے حصول علم. بالکل صحیح. مزید سیکھنا, مزید سمجھنا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ جو بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا تھا اس کے پیچھے مجمع نہیں, وہ آپ کی حکومت ہے بھائی. پانچ سال پورے ہونے کو آئے ہیں, پیسہ بے شمار ہے, حکومت ہے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں ہزاروں آپ کے ساتھ. جو یو سی میں ایک چمپو چماٹ بیٹھا ہے اس سے لے کے ایم این اے تک, وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. انہیں پتا ہے یہ ڈوبے گا تو ہم ساتھ ڈوبیں گے. سو اتنی طاقت, اتنا پیسہ, اتنے وسائل کے ساتھ مجمع اکٹھا کرنا کون سا کام ہے؟ بیانیہ مجمع کے لیے نہیں تھا. نکلے میں اس وقت جس پہ کہتے ہیں, نہ نہ بالکل نہیں. یہ بیانیہ تھا کہ اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ تھا جوڈیشری کو انٹیمیڈیٹ کرنا یا پریشر میں لانا. ٹھیک ہے, وہ تو الٹے ہاتھ کا تھپڑ منہ پہ پڑ, وہ ہوا نہیں. بالکل صحیح, ان کو وہ ماتم کر رہے ہیں, صدارت بھی گئی, وزارت بھی گئی, جی نام رہ گیا ہے وہ چھین لو. اس پہ میں نے ان کو کبھی, ہاں وہ نام رہ گیا. اچھا, حالانکہ یہ بھی نہیں پتا کہ بدنام جو ہے نا اس سے گمنام بہتر ہے, اس سے بے نام ہو جانا بہتر ہے. ٹھیک ہے سر, میں ایک آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک آن دس نوٹ. میں بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسن نثار صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ کا تقدس بحال کریں گے, انتخابات, ووٹ کا استعمال, اسمبلیوں کی تشکیل, حکومتوں کا قیام, یہی کیا جمہوریت کا مکمل مفہوم ہے؟ اگر ان کی بات سنیں, ان کے بیانات دیکھیں تو لگتا ہے ایسی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ صرف انہی تمام چیزوں کے اندر پنہا ہے. یہاں پر جو وفاداریاں ہیں وہ بھی شخصی وفاداریاں ہیں. یہ کبھی کلچر ہمارے ہاں جمہوریت کو لے کے جو روز نئی ڈیفینیشنز ہمیں سننے کو ملتی ہیں, یہ تبدیل ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو دور دور تک اس کے امکانات نہیں ہیں. کوئی معجزہ ہو جائے جیسے پاکستان میں, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی غالباً اس طرف اشارہ کیا تھا کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں لگ رہا ہے جی کہ اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ کا سلسلہ جو سنجیدگی سے, یہ اگر اپنے منطقی انجام پہ پہنچتا ہے, جس کی ذاتی طور پہ مجھے سپیڈ پہ اعتراض ہے اور دے آر ناٹ فلی گیئرڈ اپ. یہ جدید چوروں چکاروں کا اس ملک کی تو بدقسمتی سے پوری ایلیٹ ڈاکوؤں چوروں پہ مشتمل ہے. اب یہ اچھا, اور یہ اتنے ان کی وکیبلری اتنی محدود اور اتنی گھٹیا ہے, ووٹ کا تقدس.
ये क्या होता है? वोटर भाड़ में जाए, करोड़ों के हिसाब से लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी बेसिक 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 रिक्वायरमेंट जिंदगी की, वो नसीब नहीं है। पता नहीं कोई ये भी करोड़ों में ही फिगर्स है, कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चे बेकार फिर रहे हैं। ये बिल्कुल बेहुदा बेशर्म लोग हैं। बात करते अच्छा आप अंदाजा लगाओ इस मुल्क में, अभी पिछले दिनों को 3-4-5 दिन पहले की बात है कि हर पैदा होने वाले 20 बच्चों में से एक पहले महीने में मर जाता है। इस कारे खैर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 करार पाया है। ये कितनी बेहयाई से तरक्की की बात करते हैं। कर्जे मुल्क की तारीख में इतने कोई नहीं। अच्छा अभी कोर्ट ने ये डूब मरने की बात है, कोई गरीब आदमी को समझ भी नहीं आती हो क्या रहा है जी। 400 अरब रुपए की अपनी शक्लें दिखाने के लिए इश्तेहारा, वो कितना 400 अरब? बिल्कुल कोई इन 400 अरब, 100 अरब नहीं 400 अरब, कोई इनको सामने बिठाए और इनको बताए कि इनमें कितने छोटे 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 यूनिट्स बन सकते थे, छोटे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, इनमें कितने स्कूल बन सकते थे, इनमें कितनी वो क्या कहते हुनर सिखाने वाली, जिसको एक कोई टैफ्टा या कोई इस तरह का महकमा है जिसको जुल्फकार चीमा हेड कर रहे हैं एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, एक आदमी एक महदूद वसाइल के साथ ये 400 रुपया 400 अरब तुमने भाड़ में झोंका शक्लें दिखाने के लिए, को हया करो सर। ये वोट ये का कौन सा वोट का तकद्दुस, ये वोट का तकद्दुस जो इस तरह की बातें करते हैं। सुने जी। एक एक ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट फंक्शनरी सरकारी मशीन का एक कल पुर्जा पकड़ा गया है, उसकी जो मैं प्रेस की बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट हुआ है, मेरा तो रिपोर्टिंग के साथ ना कभी जिंदगी में तल्लुक रहा ना अब है। अरबों रुपए की 21 जायदादें उसकी मंजरेआम पे आ चुकी हैं। सही। अच्छा गवर्नमेंट लॉबिंग कर रही है, उनका एक हिस्सा जो इनके बिल्कुल ही चमचों करछों पे मुश्तमिल है, वो हड़ताल टाइप को काम किए फिर रहा है। व्हाट इज दिस, ये वोट का तकद्दुस है? झूठे हैं, अकामे पे निकाला फनकार लोग हैं। ओके, टिपिकल जो रंगबाज नहीं होते अंदरून शहर के, हमारा एक पद आप मुझे नहीं पता आप किस इलाके से हो, आप वो भी अगर यहाँ से लाहौर से भी हो तो हमारी बच्चियों को तो नहीं इन चीज़ों का पता होता। ये राम गली के पले बड़े लोग, इनकी खास तरह की मेंटेलिटी है कि रंगे हाथों भी पकड़े जाओ, मानना नहीं है वरना को करने वाली बात है। 1001 बात की है इन्होंने, जलसे जुलूस हैं, मातम नोट लहराए, क्या नहीं किया? नहीं किया तो एक काम नहीं किया। इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई तुम्हारी नॉन इनकम से तुम्हारे असासे हजारों लाखों गुना ज्यादा हैं, तो इनके इन पे थोड़ी रोशनी डाल दो। एक सवाल वो नहीं आया जवाब, हर 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 उस सवाल का जवाब इन्होंने दिया जो इनसे पूछा भी नहीं गया। ठीक है, जो एक बुनियादी सवाल है उसका अच्छा जवाब नहीं है। सर अब आपने फनकार कहा, अब मुझे ये बताएं कि इन फनकारों की फिर फनकारी जो है वो काम आ रही है या नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि हम तो ज़िमनी इंतखाबात भी जीत रहे हैं, अवाम हमें वोट डाल रही है। कल नवाज शरीफ ने कहा कि अदालतें बाहर भेजती हैं लोग, अवाम जो है वो वोट दे के हमें वापस लेकर आ जाते हैं। सो उस अवाम का क्या जो अभी भी इनके जलसों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाती है? ये वोटर थोड़ी है इस मुल्क में, मैं अब से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई सिचुएशन डेवलप हुई है और मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ या आपने सवाल पूछा तो नो। अच्छा 500 बार मैं ये बात लिख चुका हूँ, कर भी चुका हूँ कि इलेक्शन के दिनों में ये लोग नहीं, ये जलसों में लोग नहीं नाचते, ये बिरयानी की देगे हैं जो नाच रही होती हैं, ये भूख नाच रही होती है, ये रोगनी नान, ये कीमे वाले नान नाच रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये पुल बनाएंगे, ये अंडर पासेस बनाएंगे, ओवरहेड्स बनाएंगे, ये पता नहीं क्या, लोगों को तालीम नहीं देंगे। सही, उसी पे तो ये खेल रहे हैं। लोगों को दो वक्त की पेट भर के रोटी मिले, इज्जत नफ्स की हिफाजत हो, थानेदार और पटवार के शिकंजे से वो निकल आए, अपने पाँव पे वो खड़े हों,
नेक और बद की उनमें तमीज हो तो ये तो मौत है इनकी, इस मुल्क की सारी पॉलिटिकल एलीट की मौत है। ट्रू, ये इन्होंने मस्पराइज्ड एक मजमा है। मैं पता नहीं वो बरसी बरसी थी कोई इनकी बेनजीर भुट्टो जी मरहुमा की, तो मैं उधर उधर कोई आप किसी चैनल की को खातून फिर रही थी लोगों से, जी रोटी कपड़ा मकान इन्होंने कहा था दिया है 40-50 साल में, जी नहीं दिया, और कुछ किया है नहीं किया, रोजगार दिया है नहीं दिया, वोट फिर भी भुट्टो किसको दोगे? तो ये क्या है, ये जहालत है। और ये किसने करना होता है नेशन बिल्डिंग, इंसान साजी कौन करता है? ये लीडर का काम है। बिल्कुल सही बात है। कायनात के सबसे बड़े मुदब्बर ने, कायनात के सबसे बड़े आदमी ने, कायनात के सबसे बड़े लीडर ने वो तेल निकाल लिया था मक्का मदीना से, सोने की काने दरियाफ्त कर ली थी, सही बंदे बनाए थे, बंदे आलीशान बंदे बनाए थे, हजरत उमर फारूक तक पहुंचते पहुंचते दुनिया सारी कालीन की तरह उनके कदमों में बिछ गई थी। लेकिन सर वही अच्छा, बात है कि हमारी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी आवाम को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आवाम जिस तरह आपने कहा कि वो भुट्टो के वोट के हवाले से बात करते हैं, यहीं पर यही चीज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब शायद वो भी जमहूरियत के बहुत बड़े हामी बन गए हैं और भुट्टो के नक्शे कदम पर, बीबी के नक्शे कदम पर चलने की बातें करते हैं। बट देन अगेन ये जो तरीका है, ये जो निज़ाम है, जैसे आपने कहा कि आप तो शुरू से ही इस वाली जमहूरियत के हमेशा से खिलाफ रहे हैं, डू यू एक्चुअली थिंक कि किसी स्टेज पे जाके ये निज़ाम ही तब्दील हो सकता है? क्योंकि अभी तो अगर आप निज़ाम की तब्दीली की ज़रा सी भी बात करते हैं तो यही लोग जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हैं चीखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये बात सुनिए, ये जोकर भी हैं, ये अनपढ़ खुदगर्ज़ और लालची और अवाम दुश्मन ही नहीं है, ये जोकर भी हैं, ये कॉमेडियंस हैं। आप देखो एक तरफ पॉलिटिकल नारा एक बड़ा बड़ी देर से सुनता आ रहा हूं मैं, आई वाज़ अ टीनएजर जब से मैं सुन रहा हूं, चेहरे नहीं निजाम को बदलो, बिल्कुल पता नहीं आप चेहरे नहीं निजाम को बदलो, ये कब से आई वाज़ अ स्टूडेंट तब से मैं सुन रहा हूं। दूसरी तरफ यही एलिमेंट क्या कहता है, निजाम डीरेल हो जाएगा, डीरेल होता है हो जाए, इसने आम आदमी को दिया क्या है, ये भाड़ में जाए। अच्छा वो एक बात जो आपने की है, असल बात ये नहीं है ऐसा होगा या नहीं होगा, उसकी वजह है ये तेजी से श्रिंक होती हुई दुनिया, ग्लोबल विलेज भी नहीं कहना चाहिए अब तो, ये विलेज भी नहीं रह गया, इट्स अ ग्लोबल स्ट्रीट नाउ, इट्स अ मतलब क्या कहूं मैं इसको, ग्लोबल गली है, ग्लोबल विलेज, विलेजेस तो बड़े बड़े भी होते हैं। अल्टीमेटली तो जाना है, देखें इंसानी कोशिशें कम थी ज्यादा थी, लेकिन देखें ना एक जमाना था सदियों नहीं हजारों साल वो जारी रहा कि एक ही अंदर, एक ही बंदे के अंदर मुनसिफ आला भी होता था, वही सिपा सालार होता था, वही बादशाह भी होता था, वही रूहानी सरबराह भी होता था, ऑल इन वन था। आहिस्ता आहिस्ता उसके टुकड़े हुए, मैं बहुत इसको सलीस जुबान में ताकि हम व्यूअर्स को समझने में आसानी रहे, तो उसकी को बाकायदा कोई साइंटिफिक जंग तो नहीं लड़ी गई, लड़ी गई लेकिन इस तरह नहीं कि वो बाकायदा कोई नक्शा बना के बैठा था, बनी ना इंसान ने बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कि नहीं भाई जुडिशरी है, ये मुकन्ना है, ये इंतजामिया है, ये अदलिया है, ये अल्टीमेटली। लेकिन मैं तो ये सोच के मेरा खून खौलता है कि मेरी तो जिंदगी खा गए, मेरे दादा कुर्ते कुर्ते मर गए कि इस मुल्क के लिए जो छोड़े क्या किया क्या नहीं किया, क्या किया सर पे पड़ी थी करना ही था, तीन शहरों से माइग्रेट करके जलंधर भी छोड़ा, लुधियाना भी छोड़ा, अमृतसर भी छोड़ा, ना छोड़ कर क्या मुझे तो खैर जब को कहता ना बड़ी कुर्बानियां दी, मैंने कहा खे तुमने क्या कुर्बानियां दी, वो सर पे पड़ गई थी तो कुर्बानियां क्या, कोई एटम बॉम्ब मार दे हिरोशिमा नागासाकी के लोग, हमने बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी क्या दी, बहरहाल वो मौत तक उड़ते रहे कि यार ये तो मुल्क ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। बहुत आला तालीम याफ्ता आदमी थे, अबाउट 58 या 59 में उनकी डेथ हुई, आई वाज अ स्मॉल किड तो मैं सुनता था कि दादा मेरा क्रिप करता रहता है कि ये मुल्क ये किधर जा रहा है, ये क्या डायरेक्शन है, वो पता नहीं क्या सेटलमेंट या पता नहीं क्या होता था, क्लेमों की दौड़, लोग झूठे क्लेम झूठी जाते हैं, ये बाप मेरा गया इसी फ्रस्ट्रेशन में कि यार ये मुल्क किधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या एनवायरमेंट है, मैं गोर किनारे पहुंच गया हूं इसी चक्कर में, बंदा कहता बस यार मेरी तरफ से तुम लोग दुनिया की बेहतरीन रियासत बन जाओ, मुझे क्या,
جیسے نواز شریف بھی کہتا کہ اگر میری انکم سے میرے اساتذہ زیادہ ہیں تمہیں کیا، تمہیں کیا، یہ تو ایک بہت ہی شرمناک رویہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اگر اسی طرح قبر میں، یہی کوئی میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ قطعاً نہیں کسی قسم کا، قطعاً میرا کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب وین آئی لک اراؤنڈ تو بندے کا خون کڑتا ہے، غصہ چڑھتا ہے، ایک بلڈ پریشر بندے کا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خواجہ آصف 16 لاکھ تنخواہ، وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہا، اور ملک کا وزیر خارجہ، اور ڈوب مر، کوئی ڈھنگ کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو اچھا، لیکن روٹین میں الٹیمیٹلی تو اس نے اس طرح نہیں رہنا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں الٹیمیٹلی، لیکن میری موت کے اگر 50 سال بعد یہ ملک پٹڑی پہ آتا ہے بہتر ہو جائے، مجھے کیا؟ اس کا مطلب ہے میرے بعد میری ایک اور نسل کھائی جائے گی، دس از ناٹ آن۔ تو یہ الٹیمیٹلی تو بہتری کی طرف جائے گا، گلوبل، میں نے کہا نا گلوبل ویلیج نہیں، گلوبل سٹریٹ ہے، پریشرز ہیں، بے شمار چیزیں آپ کے سامنے بدل رہی ہیں، آپ الٹے بھی لٹک جاؤ تو آپ نہیں کر سکتے، ٹائم لگے گا، یو ول ہیو ٹو چینج۔ ٹھیک ہے، ایک ڈیوٹیاں لگاتے تھے فلان، جی ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، سٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروگرام میں آج جناب حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن نثار صاحب، آگے کیا ہوگا اور ابھی کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی بات کرتے ہیں۔ آج جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب جھوٹ بولتے ہیں، فیصل سبحان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ ان کو کہتے ہیں کہ جی پٹ اپ اور شٹ اپ، کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ بوکھلاہٹ ہے شاہد شفیق کی گرفتاری کے بعد، فیصل سبحان کے جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس نے ان کے خلاف گواہی دی تو وہ لاپتہ ہے، غائب ہو گیا ہے، اور احد چیمہ والا معاملہ، کیوں سیاستدان بیوروکریسی میں سے اگر کوئی گرفتاری ہو رہی ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ بوکھلائے میں؟ دیکھیں جی، اس سے مجھے نہیں پتا حقائق کیا ہیں، لیکن دھیان تو صرف ایک ہی بات کی طرف جاتا ہے نا جی۔ مجھے عمران نے کہا تھا کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے، پھر تو دھیان ادھر ہی جائے گا۔ بندہ سوچے، ایک 20 گریڈ کا ایک گورنمنٹ فنکشنری ہے بھائی، اگر وہ صاف ستھرا ہے تو وہ باہر آ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مطلب حد ہوتی ہے نا کوئی جھوٹ کی۔ اب میں نے ابھی آپ کو بتایا 21 جائیدادیں اس آدمی کی نکل آئی ہیں، جس جو 3-4 مرلے کے گھر میں جو جس کی پرورش ہوئی۔ اچھا، از اے ینگ مین، اس اچھا پیکج ویکج ان کے بےچارے جیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے، 21 اس کی جائیدادیں نکل آئی ہیں، ایک جگہ رپورٹ ہوا ہے، میں اپنے نیشنل پریس کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، کہ اس کے پرتگال سے لے کے ٹرکی تک میں اس کے اکاؤنٹس ہیں۔ تو بھائی، اگر اس کی اربوں کی جائیدادیں نکل آئی ہیں تو وہ طوطا اگر بولے گا تو دھیان اسی طرف جائے گا۔ اگر آپ اتنا سیکھ پا ہوں گے، ایک مبینہ طور پہ کرپٹ، چلیں یوں کہہ لیں، مبینہ کہہ لیں، ابھی تو نہیں، جب فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر وہ نہیں، کیوں آپ میرے کھاتے میں ڈال دو گے بھی، کیا ڈالو گے آپ؟ یہ تو ہو سکتا ہے میری گاڑی کی ڈگی میں آپ اسلحہ چھپا کے مجھے پکڑ لو، اس طرح کی کوئی حرکت تو ہو سکتی، صحیح، لیکن آپ میری گاڑی میں 50 مربع زمین تو نہیں گھسا سکتے نا، یا میرے کسی بچے کے یا میرے کسی ریلیٹو کے نام پہ جو جائیدادیں تو نہیں آپ بنا سکتے نا، حد ہوتی ہے نا کوئی ٹیمپرنگ کی، کوئی ہیرا پھیری کی، جیسے حبیب جالب کے انہوں نے چاکو نکال لیا تھا، وہ پتہ نہیں کس کے اس سے بیگ سے کوئی شراب کی بوتل نکال لی تھی، اسی طرح کی حرکت۔ بھائی بار اگر کوئی غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں، فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، تو وہ پھر دھیان ادھر جاتا ہے کہ یہ خوف زدہ تو نہیں ہے کہ وہ اپروور بن جائے گا، آپ یہ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ سمہا اور دی ادھر یو آر آلسو انوالوڈ ان دس، آپ جس طرح سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور جیسے ایگزیکٹلی شک ادھر۔ اچھا ٹھیک، وہ جو بات کہی ہے شہباز شریف صاحب نے، اچھا عمران کی ایک کمزوری ہے، مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، سہیل تاجک نام کے ایک انتہائی بابکار، بلکہ ڈاکٹر کرمنالوجی میں میرا خیال ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ اس وقت تھے
लायलपुर के फैसलाबाद जिसे कहते हैं जी, उसके वो थे पुलिस चीफ, मुझे नहीं पता पुलिस चीफ को क्या कहते हैं, वो आए मेरे पास तो बड़ा उन्होंने दुख का इजहार किया कि जी मेरा तो मेरे तो टेक ओवर से पहले ये सारा काम हो गया है। वो जो बंदा मर्डर हुआ है वो नशाई था, वो बहुत घटिया सत्ता पे वो छोटे मोटे नशे नुशे बेचता था, हेरोइन टाइप को इस तरह की चीज़ें, खुद भी नशाई था। अच्छा वो मरा भी मेरे जाने से पहले। इमरान चूंकि ट्रस्टिंग आदमी, उसे को कहे कोई शरीफ आदमी उसे कहता है वो मान लेता है, उसको थोड़ा इसको कंट्रोल करना चाहिए, मुझे पता है उसकी कमजोरी का, ठीक है कि यार शरीफ आदमी है क्यों झूठ बोल रहा होगा, क्यों बकवास कर रहा होगा, लेकिन लोग अपने अपने बहुत घटिया मफादात के लिए झूठ बोल देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की इस बात को तो ठीक है, वो एहतियात दोनों तरफ से करनी चाहिए, बात करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप इतनी एक जिम्मेदार पोजिशन में हों। लेकिन भाई इस पर तो कोई बात है नहीं, इल्ज़ाम मुझ पर भी लगा था हामिद मीर के प्रोग्राम में, ब्रेक में उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा ब्रेक में क्यों कर रहे हैं आप, सही बिल्कुल ठीक, प्रोग्राम के दौरान पूछें, दौरान करने भाई अगर है तो कहीं निकालो ना। मुझे अगर मेरी पैदाइश से पहले भी किसी ने को गिफ्ट किया है मैं उसको ऑन कर लूंगा, वो मेरे नाम होगा, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के, किसी भाई के, किसी दोस्त के, किसी मुलाजिम के नाम को रिमोटस कुछ तो करो ना। जब आप जमीन की बात करो जो मेरी जायज है, मेरे एसेट्स हैं वो तो बिल्कुल हैं, जाहिर है मेरे नाम पे होंगे या मेरी अहलिया के नाम पे होंगे, बाकी अगर कोई है तो लाओ, जो मेरा अनडिक्लेयर्ड है जिसका सबको नहीं पता तो बताओ। ये इसलिए हवाई बातें हैं, ये खौफ जदगी जो है इनकी मेरी समझ में नहीं आ रही है। बाकी आपने बात की है, आपने बात की है नहीं, आगे क्या होगा सादिया, आगे कुछ नहीं होगा, एक नहीं आइंदा आने वाली हुकूमत नहीं, उसके बाद की हुकूमत और फिर उसके बाद की हुकूमत और हत्ता के उसके बाद की भी हुकूमत माजूर होगी, लूली लंगड़ी होगी, पोलियो ज्यादा होगी, चेचक ज्यादा होगी, क्योंकि ये इस काबिल है नहीं तो फिर ये मुल्क इनकी सवाबदीत पे छोड़ दिया जाए। फिर सर मुल्क कैसे चलेगा, क्या होगा? मुझे एक बात नहीं, एक मिनट नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ आप, आसिफ जरदारी साहब ने 5 साल निकाले, बड़ा फकरिया ऐलान करते हैं, 2 वज़ीर-ए-आज़म उनके कान से पकड़ के निकाल दिए गए, हुकूमत ही वो लुटमार की लिमिटेड महदूद सी इजाजत, वो भी श्रिंक होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा नवाज शरीफ ने जो 4 साल सवा 4 साढ़े 4 जितना भी गुजारा है ये हुकूमत ही, या जो अब्बासी साहब अब कर रहे हैं ये हुकूमत कर रहे हैं, एक मामूली मुलाजम यानी कहां वजीर दाखिला, कहां उसका एक बहुत ही मामूली मुलाजम। बट सर यही तो वो गिला करते हैं, वो कहते हैं हमें करने ही नहीं दी जाती हुकूमत, तू नहीं जा सकते, वो ये कहते हैं नहीं ये इस काबिल ही नहीं है। बेच खामे वो जो कहते हैं ना, जो यूसुफ सा ब्रदर हो गए, तब बात सुने, $300 अरब या पता नहीं कितना वो जो फिगर्स आ रहे हैं सामने आए हैं, कोई तो जुमा पनामा को तो मतलब चंद महीने पहले की बात है, उससे पहले रेमंड बेकर की किताब तो उठा के देखो, सही ये मुल्क बेच खाया उन्हें और कहते हैं कि हमारे ये साथ से अगर इनकम से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, ओए क्यों मुझे क्यों नहीं है, मेरे मुल्क का खा के तुम कहते हो मुझे क्या, ये सरेआम बात की है, बिल्कुल सही, व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दिस। ठीक, और अब इतनी शर्म हया तो पटवारी करता है, पटवारी को पूछो ना कि ये तेरी औकात है, बाप से तूने ये इनहेरिट किया था, यही खौफजदा होने की निशानी है जो अब पंजाब असेंबली में भी हम देख रहे हैं, नैब के खिलाफ करारदाद मंजूर हो रही है, ये काम रह गया हमारे उन लोगों का जो कि कानून साज हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जना पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा सूबा पाकिस्तान का, उन्होंने हमें मैंडेट दे के भेजा है, फिर कभी कह देंगे कि नहीं जाब्तों से हट के कार्रवाई कर रहा है, जब इनकी बारी आती है। बीसियों बार में लिख चुका हूं, ये वोट लेके नहीं, ये वोट छीन कर आते हैं, ये वोट खरीद कर, उसके तरीके हैं, ये और तरह के रहजन हैं, ये और तरह के डकैत, ये डेमोक्रेसी के डकैत हैं, लोगों के मफादात और मजबूरियां, आपकी टोटल डेमोक्रेसी के इन हदूद के अंदर है, मफादात मजबूरियां ये खरीदते हैं, खरीद एक और तरह बेशुमार तरीके कार हैं खरीदारी के, ठीक है, या छीनते हैं, जबर है,
मेरा जो बेलीपुर है वो कोई वीराने में नहीं है, इनके जाति उम्र से कोई 10 मिनट आगे होगा, 8 मिनट आगे होगा। वो पूरे के पूरे जितने गांव हैं वो चंद चौधरी में तकसीम है। लोग अपनी इज्जतें बचाए छुपाए फिरते हैं। मेरे पे झूठा पर्चा जब वो फलां चिकड़ चौधरी देगा तो मैं जिस चौधरी का बालका हूं, जिसका मैं चमचा हूं, जिसकी आशीर्वाद मैंने हासिल कर रखी है, जिसकी जिसकी ठीक है ना सरपरस्ती मैंने हासिल की हुई है, मैं उसको कायम रखूं, तो कायम रखने का उसके पास क्या तरीका है? चौधरी भेड़ों की तरह जिधर हांक देते हैं उधर चले जाते हैं। दिस इज वॉट योर डेमोक्रेसी इज, तो ये बहवाल, दिस इज रबिश, कब तक चलता है ये देखते हैं। लेकिन आपने आगे क्या होगा? आगे बिल्कुल ठीक होगा जो होगा। ये लूले लंगड़े मुर्दे अपाहज माजूर, और ये हैं भी इसी काबिल, इनका बस मैं कहता हूं पाकिस्तान की प्लॉटिंग करके बेच देते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय नाम रखते पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। बट इन द एंड हसन इज योर ऑप्टिमिस्टिक, योर होपफुल कि आगे जो है वो अच्छा ही होगा, इनके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी होगा अच्छा होगा, कानून कुदरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हसन निसार साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।